नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। यूपी के बलिया में भाजपा के बैरिया विधानसभा में विधायक सुरेंद्र सिंह एक बार फिर सपा बसपा कांग्रेस समेत देश के सभी राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष किया है। योगी मोदी को राम हनुमान की अवतार बताते हुए जमकर विपक्षी दलों पर हमला करते हुए राजनीतिक बैंडबाजा का मुखिया बता डाला। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। मैं तो कभी कभी कहता मन में आ जाता है तू कि लगता है कि राम के अवतार के बाद भारत के उद्धार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, अत्याचारियों के दमन के लिए, माफियाओं को सबक सिखाने के लिए राम और हनुमान के रूप में मोदी प्रचार कर रहा है। ये पार्टी है महाराज, ये शुद्ध रूप से, जैसे आप देखे होंगे कि एक एक बैंड पार्टी का कोई मुखिया होता है ना बैंड पार्टी का, तो वो सट्टा करता है और बाजा बजाता है, ठीक वही राजनीति के राजनीतिक बैंड है सब। ये राजनीतिक बैंड पार्टी के सब कौन, अखिलेश जी मुखिया है, कोई जो है मायावती जी मुखिया है, और राजनीतिक बैंड पार्टी है, राजनीतिक पार्टी मत कहिए भाई। जिसके जिसके पार्टी में केवल परिवार ही दिखाई देता हो तो उसको बैंड ना कहा जाएगा जी। बाप जो है तमूरा बजाता है तो बेटा जो है किलांट बजाता है और जो है सट्टा करते हैं। ये राजनीतिक बैंड पार्टियां हैं, चाहे वो राहुल जी हो क्या। अब देखिए, कल्पना करिए, इंदिरा जी के बाद कौन आ गया? राजीव जी के बाद कौन आ गया? सोनिया जी के बाद कौन आ गया? राहुल जी के बाद कौन आ गया? प्रियंका जी के बाद कौन आएगा? कौन जो है कौन एक पैदा हुआ है बाड्रा जी, वो पैदा होगा, या हो सकता है कोई इटली से आके कह दे कि हम भी कांग्रेस के परिवार वाले हैं। तो ये जो है ये पारिवारिक पार्टियां हैं, राजनीतिक जमींदार लोग हैं। एक कांग्रेस में राजनीतिक जमींदार, सपा भी राजनीतिक जमींदार पार्टी है, और बसपा भी तो मैंने पूरा एक तरफा है, मामला घनाई का है। तो इन लोगों की बातें छोड़ दीजिए, भारतीय राजनीति में पार्टी के नाम पर यदि कहेंगे तो केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के संगठन नाम का कोई चीज नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है और बड़ा सा व्यक्ति भी सड़क पर आ सकता है। ये पार्टी का संस्कार है कि नहीं, एक तरह से राजनीतिक लोमड़ी है, उसको राजनीतिक लोमड़ी आप लोग जानते हैं कि नहीं। जहाँ भी कोई कुछ दिखा देगा कि आपको 5 सीट दे देंगे तो वहीं चला जाएगा, फिर कोई कह देगा आपको चेयरमैन बना देंगे तो वहाँ चला जाएगा। जो बताइए, गंगाजल में स्नान करके जो गढ़े में स्नान करने की बात मन में उठा लिया, फिर उसको राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति नहीं कह सकता है।